महिष्मति यानी आज का महेश्वर नामक नगर या शहर जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे और खरगोन जिले में स्थित है। पौराणिक काल में राजा सहस्त्रार्जुन की राजधानी हुआ करता था। राजा सहस्त्रार्जुन एक क्षत्रिय राजा था जो हेहय वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक का पुत्र था। राजा सहस्त्रार्जुन इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी एक युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक बार राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने अपनी 500 रानियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करते हुए अपनी 1000 बलशाली भुजाओं के दम पर नर्मदा नदी के बहाव को रोक लिया था। जबकि उसी समय लंकापति रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहा था। सुखी नदी के स्थान को देखकर रावण के मन में वहां शिव पूजा करने की इच्छा हुई और जब रावण ने बालू रेत से उस सुखी नदी में शिवलिंग बनाकर पूजा करनी शुरू की तो सहस्त्रार्जुन ने जल क्रीड़ा समाप्त होने के बाद नर्मदा का जल बहाव के लिए छोड़ दिया, जिसके कारण रावण द्वारा बनाया गया बालू रेत का शिवलिंग पानी में बह गया और उसकी पूजा अधूरी रह गई। इस बात से क्रोधित रावण को जब पता चला कि यहाँ के राजा सहस्त्रार्जुन ने ही उसकी शिव पूजा में बाधा उत्पन्न की थी तो रावण ने उसको युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन इस युद्ध में रावण को हार स्वीकार करनी पड़ी और महेश्वर के राजा सहस्त्रार्जुन ने रावण को बंदी बना लिया। नमस्कार, मैं अजय चौहान। इस वीडियो को आज पूरा देखने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को भी आप देख सकें। पुराणों में इस बात का वर्णन है कि राजा सहस्त्रार्जुन की रानियां बंदी बनाए गए रावण के 10 शीशों पर देसी घी से दीपक जलाती थी और वे ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि दीपक जलाना राजा सहस्त्रार्जुन को बहुत अच्छा लगता था। माना यह भी जाता है कि तब से लेकर आज तक महेश्वर में स्थित श्री राज राजेश्वर के उस मंदिर में अखंड 11 दीपक ज्योति पुरातन काल से प्रज्वलित है। इसके अतिरिक्त इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु प्रसाद के साथ साथ देसी घी भी अवश्य चढ़ाते ताकि वह दीपक ज्योति सदैव जलती रहे। आज भी इस हेय वंशी क्षत्रिय राजा सहस्त्रार्जुन के वंशज और इस समुदाय के लोग महेश्वर क्षेत्र को एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं। हेय वंश के क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र अर्जुन के नाम के विषय में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि सहस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन ही था और जब अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने अर्जुन से वरदान मांगने को कहा। वरदान के रूप में अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय से 1000 बलशाली हाथों का वरदान मांग लिया। भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त करने के बाद अर्जुन को 1000 हाथ प्राप्त हो गए और उसी के बाद से वह अर्जुन से सहस्त्रार्जुन यानी 1000 हाथों वाला अर्जुन के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में सहस्त्रार्जुन को सहस्त्रबाहु और राजा कार्तवीर्य पुत्र होने के कारण कार्तेय वीर्य के नाम से भी उल्लेख मिलता है। वर्तमान समय में महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध इस शहर का उल्लेख रामायण और महाभारत में महिष्मति के नाम से मिलता है। अपने धार्मिक महत्व के कारण यह शहर काशी के समान भगवान शिव की नगरी जितना महत्व रखती है। अपने पौराणिक काल में स्कंद पुराण, रेवा खंड तथा वायु पुराण आदि के नर्मदा रहस्य में इसका महिष्मति नाम से भी उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक महत्व में यह शहर भारतीय संस्कृति में स्थान रखने वाले राजा महिष्मान, राजा सहस्त्रबाहु जैसे महान राजाओं और वीर पुरुषों की राजधानी रहा है। हालांकि समय के साथ साथ यह नगरी पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व खोती जा रही थी, लेकिन बाद में होलकर वंश के कार्यकाल में इसे एक बार फिर प्रमुखता प्राप्त हुई। महेश्वर के अत्यंत गौरवशाली और पौराणिक महत्व और इतिहास को ध्यान में रखते हुए देवी अहिल्याबाई ने इसे अपनी राजधानी बनाया। देवी अहिल्याबाई होलकर के समय में यहाँ के धार्मिक तथा पौराणिक महत्व के मंदिरों को एक बार फिर से संवारा गया। महेश्वर मंदिरों और देवालयों का नगर है जिसमें शिव मंदिरों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए यह स्थान संत और तपस्वी लोगों को बहुत प्रिय लगता है और इसी कारण इस क्षेत्र को गुप्त काशी भी कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में श्री राजराजेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, अहिल्येश्वर महादेव, ज्वालेश्वर महादेव, बाणेश्वर, कालेश्वर शिव मंदिर, सप्तमात्रका, कदम्बेश्वर मंदिर प्रमुख है। कुछ मंदिर नवनिर्मित है जो भव्य और आकर्षक भी है, जिनमें सहस्त्रधारा क्षेत्र में बना दत्त धाम है।
लंबा चौड़ा नर्मदा तट एवं उस पर बने अनेकों सुंदर घाटों को तरीके से संवारा गया, जिसके कारण आज भी घाटों के किनारे बने मंदिरों और इमारतों के प्रतिबिंब नदी में खूबसूरत दिखाई देते हैं। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह खूबसूरत पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश शासन द्वारा पवित्र नगरी का दर्जा प्राप्त है। कला, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुए यह वर्तमान शहर हजारों वर्ष पुराना है। तो अगर आप लोग भी पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों में दिलचस्पी रखते हैं तो कम से कम एक बार तो महेशमति यानी महेश्वर नामक इस नगर या शहर में जरूर जाना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि हमारी जिन ऐतिहासिक संरचनाओं को देखकर दुनिया के लोगों की आंखों में आश्चर्य आता है उन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज को भी आप देख सकें। धन्यवाद।